हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 4 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई है वह यह है सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर एटलस के बारे में। क्या न्यूज़ है? न्यूज़ हम देखते हैं। न्यूज़ ये आई है कि अभी सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर एटलस जारी किया गया था, तो इसके डाटा में ये शो किया गया है कि अगस्त 2018 में जितनी आग लगी थी या फायर की घटनाएं देखी गई थी, उनसे लगभग 5 गुना घटना देखी गई है अगस्त 2019 में। मतलब कि पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार अगस्त में आग लगने की घटनाएं ज़्यादा सामने आई हैं। इसके पीछे एक मेजर रीज़न तो ये है, आपको पता है कि अभी ब्राज़ील में कुछ टाइम पहले आग लगी थी, जिनको ब्राज़ील के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ ज़्यादा एक्शन भी नहीं लिया गया था, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति का ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिटिसिज्म किया गया था, तो वो मामला काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो एक रीज़न तो ये है और बाकी काफ़ी सारे रीजन्स यहाँ पर सामने दिए गए हैं। जैसे देखो, डाटा में शो किया गया कि अगस्त 2018 में जो आग लगने की घटनाएं थी वो थी लगभग 16,000 के आसपास, और वहीं अगस्त 2019 में जो आंकड़ा है वो हो गया लगभग 80,000 के नियर बाई। तो मतलब लगभग 5 गुना आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इसी के साथ इस एटलस में ये भी बताया गया है कि जो आग लगने घटनाएँ डिटेक्ट की गई हैं वो एशिया में सबसे ज़्यादा डिटेक्ट की गई हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी आग लगती हैं उसमें से लगभग 49%, यानी आप बोल सकते हो कि लगभग हाफ जो आग हैं वो तो अकेले एशिया में डिटेक्ट की गई हैं। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसके बाद में आता है 16% पे अफ्रीका, और फिर बाद में बचे हुए कॉन्टिनेंट। तो मतलब एशिया में आग लगने की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि एशिया में लगभग 49% आग लगने की घटनाएँ हैं, इसी के साथ अफ्रीका में 16% और साउथ अमेरिका है वहाँ पर 28%, नॉर्थ अमेरिका में ओनली 3%, और ओशियाना और यूरोप में लगभग 2-2% के आसपास। फिर नीचे आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ये देखिए कि जो जनवरी में आग लगने की घटनाएं थी वो पिछले साल थी, वो थी लगभग 7,182, इस बार रही थी 7,342, और ऐसे आप यही आंकड़ा यहाँ पे अगस्त में आके देखोगे तो देखो अगले अगस्त में पिछले साल आग लगने की घटनाएं थी वो थी लगभग 16,632, और वहीं इस साल की संख्या होगी लगभग 80,000 के नियर बाई। तो ये डाटा यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई आग लगने की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब हम थोड़ा इस एटलस की तरफ देखते हैं कि ये जो एटलस है, सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर इंडिया एटलस, ये जारी कौन करता है, कौन कौन से पैरामीटर के आधार पर जारी किया जाता है। तो सेंटिनल 3 जो वर्ल्ड फायर एटलस है ये जारी किया जाता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो जारी करती है, और यह एक तरीके का प्रोटोटाइप प्रोडक्ट है, जो कि किस लिए जारी किया जाता है कि भाई आग लगने घटने कैसे क्यों बढ़ रही हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं, कहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही हैं, इन सब को इसमें देखा जाता है। अब देखो, इसमें बात यह है कि जो ट्रैकिंग स्कैनिंग रेडियोमीटर्स होता है वर्ल्ड फायर एटलस में, उसको यूज़ करके जारी किया जाता है, और स्टार्टिंग में तो यह 1995 से स्टार्ट किया गया था, और 2012 तक तो इसमें कुछ ज़्यादा फोकस नहीं रहता था। मतलब 2012 तक का जो मेथड था इसमें वो था ट्रैक स्कैनिंग रेडियोमीटर के थ्रू, इसके बाद में इसमें अलग मेथड्स हैं वो यूज यहाँ पे किए जाने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है कि यूरोपियन कमीशन का एक प्रोग्राम था यार अभी भी है वो, जिसका नाम है कोपरनिकस प्रोग्राम। और कोपरनिकस प्रोग्राम का टारगेट क्या है? कोपरनिकस प्रोग्राम इसलिए चलाया गया था कि भाई जो हमारी अर्थ है इसको ऑब्जर्व किया जा सकते, अर्थ की स्टडी है वो की जा सके। और इसी जो यूरोपियन कमीशन का जो कोपरनिकस प्रोग्राम है, इसी के तहत सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर एटलस है वो जारी किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोपरनिकस प्रोग्राम का ही पार्ट है सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर एटलस, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आग लगने की घटनाओं को काउंटर यहाँ पे करता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो जो एटलस है किस पैरामीटर के आधार पर जारी किया जाता है। देखो, ये जो एटलस है ना, सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर एटलस, ये हमारी अर्थ के जो ऑब्जर्वेशन के सैटेलाइट ये रखे गए हैं दो, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूज़ करती है। दो सैटेलाइट हैं सेंटिनल 3 के नाम से ही, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर एटलस है, इस प्रोग्राम में दो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, वो हमारी अर्थ की सरफेस को ऑब्जर्व है, स्टडी है वो करते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो वो अर्थ के जो सी सरफेस टोपोग्राफी है उसकी स्टडी करते हैं, इसी के साथ ही सी की स्टडी करते हैं, और जो लैंड सरफेस है इसका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, इन सब की स्टडी की जाती है। ओशियन का कलर में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, इन सब की स्टडी की जाती है। लैंड कलर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसी के साथ ही एक्यूरेसी और जो रिलेबिलिटी कैसी है, इन सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, और इसके आधार पर फिर ये इंडेक्स जो एटलस है वो यहाँ प्रिपेयर किया जाता है। और ये कुछ फैक्ट थे इसके जो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे
वह है गोटी पोरोल के बारे में। तो क्या है गोटी पोरोल, ये हम देख लेते हैं। देखो यह अभी एक नई साइट डिस्कवर की गई है आंध्र प्रदेश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इफेक्ट ये हो जाता है कि अभी जो नई साइट डिस्कवर की गई है, एक है कहाँ पे और कौन से टाइम की है और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आया है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में नई आर्कियोलॉजिकल साइट है वो डिस्कवर की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन सी रिवर है, रिवर का नाम है सरुणामुखी। सरुणामुखी रिवर के किनारे पे ये गोटीपारू जो साइट है वो डिस्कवर की गई है, जो कि साउदर्न आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ ही जो गोटीपोरोलू ये जो जगह है, इसके आसपास में तिरुपति और नेल्लोर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल भी हैं, जो कि धार्मिक स्थल से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब न्यूज़ क्या आई थी, न्यूज़ ये आई थी कि ये जो यहाँ पे गोटीपोरोलू साइट है, यहाँ पे अभी विष्णु का स्कल्पचर है, मूर्ति है, वो डिस्कवर की गई है, लगभग विष्णु भगवान की साइज़ के इक्वल ही। तो उसी को लेकर न्यूज़ आई है, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के बारे में। न्यूज़ ये थी कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो अभी कुछ टाइम पहले, यानी हम बात करें 29 से 31 अक्टूबर के बीच में सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में गए थे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि एक इंटरनेशनल इवेंट है। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और क्या है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। देखो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है ना, वो एक एनुअल इन्वेस्टमेंट फॉर्म है जो कि सऊदी अरब का है। देखो आपको पता है कि सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो ऑयल पे डिपेंड करती है, मतलब सऊदी अरब है वो अपना सारा काम है वो ऑयल बेसिस पे करता है, क्योंकि सऊदी अरब के पास ऑयल के काफ़ी बड़े रिजर्व्स हैं। और अब सऊदी अरब ये चाहता है कि भाई वो अपनी सारी इकोनॉमी है ना वो ऑयल के ऊपर डिपेंड ना रखे, बाहर के दूसरे और रीजन्स हैं, अपना बाहर भी कहीं इन्वेस्ट करे ताकि उसको और भी जगह से पैसा मिल सके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सऊदी अरब के पास हमेशा ही ऑयल रहेगा तो उसकी बदौलत वो अपनी इकोनॉमी को चलाता रहेगा। ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब है वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है ताकि जो उसकी ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी है इसको कम किया जा सके। अब इसके लिए वो सोशल रिफॉर्म लाने की बात भी की जा रही है, और इसी के तहत सऊदी अरब ने एक विजन 2030 प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, और उसी विजन 2030 प्रोग्राम के तहत ये जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है ये स्टार्ट किया गया था। इसमें वर्ल्ड के डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वाइट किया जाता है और फिर डिस्कशन की जाती है कि भाई कौन कौन से इश्यूज पे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इस चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो अभी इस इन्वेस्टमेंट के ये सॉरी जो ये अभी जो इन्वेस्ट इनिशिएटिव था, इस इनिशिएटिव के तहत इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के पास पैसा तो काफ़ी है, तो सऊदी अरब बाकी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखो जिस तरीके से आपको पता है कि हर साल जनवरी में दाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, जो कि इकोनॉमी के काफ़ी सारे जो इश्यूज होते हैं उन पे डिस्कशन की जाती है, कैसे उनसे हमें निपटना है, इन सारी बातों पे चर्चा होती है। तो एक तरीके से उसी तरीके का यह प्रोग्राम है जिसका नाम है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, बट यह है सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर है, आयोजित है, वो करवाया जाता है। इसको दाओस इन द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सबमिट होता है दाओस में, उसी तर्ज पे यह डेजर्ट में आयोजित किया जाता है, सऊदी अरब में डेजर्ट है, इसीलिए इसको दाओस इन द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसा मैंने आपको फैक्ट तो बता दिए कि भाई उनके पास पैसा काफ़ी है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज के साथ कोलेब्रेशन कर रहे हैं ताकि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई है वो किया जा सके, या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इन पे डिपेंडेंसी को कम है वो किया जा सके। कुछ और फैक्ट देखते हैं। देखो सऊदी अरब की जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका नाम है PIF, इसके द्वारा इसको वैसे होस्ट है वो किया जाता है, और ये सऊदी अरब का मेन सॉवरिन वेल्थ फंड है। अब ये बताइए कि आप ये सॉवरिन वेल्थ फंड क्या होता है। देखो सॉवरिन वेल्थ फंड का मतलब ये होता है जैसे कि सऊदी अरब के पास पैसा काफ़ी है तो सऊदी अरब क्या करता है, बाहर की कंट्रीज़ में बाहर के प्रोजेक्ट पे पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि वहाँ से सऊदी अरब को कुछ इनकम है वो हो सके। तो उसके लिए वो एक फंड स्थापित करते हैं ताकि पैसा इन्वेस्ट उस फंड के थ्रू किया जा सके, उस फंड को कहा जाता है सॉवरिन वेल्थ फंड। तो यह ध्यान रखना कि सॉवरिन वेल्थ फंड क्या होता है। ये देखो वैसे तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया था, इससे पहले 2017 में भी इस तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, 2018 में भी और 2019 में भी ये सेशन है या जो इनिशिएटिव आयोजित किया गया था सऊदी अरब गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया को लेके। देखो अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की रेट कैसी है, कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं।
तो देखो इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन में भी पूछ लें, बट ये मेंस के जो आंसर राइटिंग है वहाँ पे एज ए फोल्डर मटेरियल आप इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है वो कर सकते हो, या फिर कहीं ऐसे राइटिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी इसका यूज है वो हो सकता है। जैसे इसमें ये बताया गया है कि अभी इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है अक्टूबर वाले में महीने में वो लगभग 8.5% के पास हो गई है, जो कि 2016 अगस्त के बाद में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर भी है। इसी के साथ ही बताया गया है कि अर्बन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो लगभग 8.9% की रेट से बढ़ रही है, और जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ रही है 8.3% की रेट से। और इंडिया में जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी रेट है वो है त्रिपुरा हरियाणा में, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% से भी आगे जा चुकी है। और सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या सबसे ज़्यादा रोजगार हम बात करें इंडिया में तो वो तमिलनाडु में है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 1.1%। राजस्थान का आंकड़ा कुछ इस प्रकार से किया गया है कि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सितंबर से अक्टूबर के बीच में वो जस्ट डबल हो गई है पहले से। तो ये काफ़ी चिंताजनक आंकड़े हैं जो कि हमारे देश की जो हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स को एक तरह से वेस्ट करने की तरफ अग्रसर कर रहे हैं कि भाई हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स का सही ढंग से यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को लेके। देखो अभी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी है, इसके द्वारा दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या फिर हम बात करें पोल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी खतरनाक लेवल पे या एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है। काफ़ी चिंताजनक बात है कि एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और दूसरी तरफ ऐसे ही इंडिया में माहौल बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं मतलब देश में इनस्टेबिलिटी आएगी और एक तरीके से इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी बड़ा लोगों को जागरूक होने के अभियान है वो चलाना पड़ेगा। अभी देखो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में पैरामीटर्स हैं थोड़े इंडिकेटर्स हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जो पोल्यूशन लेवल है इसके लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी है उसने कुछ इंडिकेटर हैं वो जारी कर रखे हैं। जैसे कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 के बीच में है इसका मतलब कंडीशन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहीं पे एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो डाटा है वो 51 से 100 के बीच में इसका मतलब सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन पे है। वहीं पे 101 से 200 के बीच में है मतलब मॉडरेट कंडीशन है, 201 से 300 के बीच में है तो मतलब है पुअर है, और 301 से 400 के बीच में है मतलब कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, और 401 से 500 का मतलब है कि हालत एक्सट्रीम ख़राब है, और अगर 500 से ऊपर आ जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका मतलब इमरजेंसी कैटेगरी आ गई है, अब आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी। तो अभी दिल्ली में दिवाली के बाद में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और वहाँ पर इमरजेंसी कैटेगरी में पॉल्यूशन आ चुका था, इसीलिए हेल्थ इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की गई है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, कौन से ऐसे जो पोल्यूटेंट हैं जिनका वाइडली यूज है वो किया जाता है ताकि मेजर किया जा सके। तो देखो जो इमरजेंसी जारी की जाती है वो जारी की जाती है PM2.5 और जो PM10 है उनकी मात्रा के आधार पे। अगर PM2.5 की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाती है, इससे ज़्यादा हो जाती है, तब इसी के साथ ही PM10 की मात्रा अगर 500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में हो जाती है अगर पिछले 48 आवर्स के हिसाब से, तो फिर वहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। तो एक तो आपको ये क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन में इमरजेंसी जारी की जाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि इन गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाने की बात की है। देखो गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाने की बात है वो है GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। देखो वैसे तो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके नहीं आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन दी थी, इसके बाद में गवर्नमेंट इसको एक्टिव फॉर्म में है वो लेके आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लताड़ लगाई थी गवर्नमेंट को, तब जाके एक 2016 में इसको अप्रूवल है वो मिला था। और ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये तब काम करता है जब हालात इमरजेंसी की कंडीशन पे पहुंच जाती हैं, और इसमें गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोग्राम है वो चलाती है ताकि जो एयर क्वालिटी है उसको ठीक है वो किया जा सके। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, देखो अगर गुड कंडीशन में होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर सेटिस्फैक्ट्री मॉडरेट कंडीशन में तो इतना कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब नॉर्मल आम लाइफ चलती है। बट अगर वहीं पे इमरजेंसी आ जाती है यानी कि 500 से ऊपर हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उस कंडीशन में जो ट्रक वगैरह हैं उनकी एंट्री दिल्ली में बैन हो जाती है, इसी के साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो कंप्लीट बंद हो जाती हैं, और जो ओड यून स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जो टास्क फोर्स है वो स्थापित की जाती हैं ताकि जो यहाँ पे स्कूल वगैरह हैं उनको शट डाउन किया जा सके, और जो ईंट भट्ठे वगैरह हैं सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं मेन मतलब कि जिनसे पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है उनको बंद है वो किया जाता है। तो देखो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव वो यहाँ पे उठाना होगा। जैसे कि गवर्नमेंट कह तो रही है कि भाई किसानों के पराली जलाने की वजह से ये प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ने को देखने को सामने आ रही है। एक सेकेंड,
बट देखो आप अकेले किसानों को भी इस चीज़ के लिए दोष वो नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसानों के पास भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए उनको अपनी पराली है या जो फसल रेसिड्यूज होते हैं इनको जलाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को इस दिशा की तरफ भी स्टेप उठाने चाहिए ताकि जो पॉल्यूशन है इसको कंट्रोल कैसे कर रहे हो वो किया जा सके। लास्ट में देखो एक छोटी सी न्यूज़ है, वही है व्हाट्सएप इश्यूज़ को लेके। आजकल काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है मीडिया में, तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट्सएप का क्या इशू है वो चल रहा है। देखो इसमें दो तीन चीज़ें प्री के लिए यूपीएससी पूछ सकती है। पहली चीज़ तो ये कि किस स्पाईवेयर के थ्रू जो व्हाट्सएप है उस पर अटैक है वो किया गया था। तो देखो जो इज़राइल की जो कंपनी है, जो फर्म है, संस्था है जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप, उस संस्था का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पेगोस स्पाईवेयर। इस पेगोस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू अटैक है वो किया गया था व्हाट्सएप पे, और फिर डाटा है वो चुराया गया था। दूसरी बात ये कि व्हाट्सएप जो डाटा सिक्योरिटी यूज़ करता है वो करता है 128 बिट इनक्रिप्शन मेथड। तो ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा स्पाईवेयर था और व्हाट्सएप कौन सा सिक्योरिटी लेयर सिस्टम यूज़ करता है, और जो कंपनी थी वो इज़राइल की थी, एनएसओ ग्रुप। देखो अब थोड़ा कंटेक्स्ट जल्दी से वो भी हम देख लेते हैं। न्यूज़ ये आई थी कि इज़राइल की जो एक फर्म है एनएसओ ग्रुप, ये बेसिकली वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़, मतलब वर्ल्ड की जो और कंट्रीज़ हैं उनको और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इनको डाटा प्रोवाइड करवाती है चोरी करके। चोरी करने का मतलब वहाँ पे मतलब गलत तरीके से प्रैक्टिसेस को अंजाम देके, ताकि कोई भी देश को या सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह हो उनको काउंटर किया जा सके। तो अभी न्यूज़ सामने है कि भाई इंडिया को भी डाटा है वो इस फर्म ने प्रोवाइड है वो करवाया है। देखो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि ये जो एनएसओ ग्रुप है वो किसी इंडिविजुअल या कोई बिजनेस ग्रुप को नहीं प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन, केवल और केवल कोई देश कंट्री मतलब कंट्री के जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं उसके तहत, या फिर हम बात करें कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसको किसी भी पर्सन की जासूसी वगैरह करवानी है तो उन सबको ही डाटा प्रोवाइड करवाती है, बाकी किसी इंडिविजुअल पर्सन या कोई और प्राइवेट संस्था को ये डाटा प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो अभी देखो भारत में ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि मतलब कि गवर्नमेंट ने ही भारत के जो लोग हैं लगभग 2 दर्जन के आसपास इनका डाटा है वो चोरी करवाया है व्हाट्सएप के थ्रू जासूसी करने के लिए। तो खैर वो अलग न्यूज़ है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इश्यू पूरा है क्या, और जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू अटैक किया गया था इस इज़राइल की फर्म के द्वारा उसका नाम था पेगोस स्पाईवेयर। तो यूपीएससी ये आपसे पूछ सकती है। और व्हाट्सएप जो सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ करती है इंक्रिप्शन का वो है 128 बिट इंक्रिप्शन मेथड। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट न्यूज़। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।